जैसा कि आप देख सकते हैं 3 स्पीड का पूरा गियर सेटअप है जो कि मैं इसमें लगाने वाला हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं 3 स्पीड का क्रैंक सेट वाला मैं लगाने वाला हूँ। एलॉय क्रैंक है ये 3 स्पीड का, ये राइट का है और ये लेफ्ट का है। एलॉय क्रैंक है ये पूरा देख सकते हैं। और आपको 3 स्पीड का शिफ्टर लगेगा देख सकते हैं, शिमानो का ये 500 है जो कि बहुत ही अच्छा शिफ्टर होता है, ये लगाऊंगा मैं। और ये मेरे पास शिमानो टोर्नी का TY300 फ्रंट डिरेलर है जो कि मैं अपने साइकिल में इंस्टॉल करूंगा 3 स्पीड के लिए। बहुत ही अच्छा डिरेलर है, इसका शिफ्टिंग बहुत ही अच्छा होता है। ये आपको एक जरूरत पड़ेगा, फ्रंट फ्रंट डिरेलर चाहिएगा आपको एक। और अभी आप देख सकते हैं कि एक गियर केबल भी लिया है मैंने, अच्छा वाला वीवो का गियर केबल की जरूरत पड़ेगा आपको। और अभी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से ये सारा पार्ट्स लगने वाला और किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। स्टूडियो में बने रहिएगा। फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आप अपना चेन को काट लीजिएगा अपना, मतलब आप देख सकते हैं कि मेरा गियर वाला है तो मैं इसको चेन को काट लेता हूँ क्योंकि वापस से चेन को डिरेलर में से डालना पड़ता है। तो इसके लिए मैं चेन को काट लेता हूँ इस तरह से चेन टूल की मदद से। तो नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि अपना क्रैंक सेट को निकाल लीजिएगा, जो आपका सिंगल स्पीड का क्रैंक सेट रहेगा उसको साइकिल से निकाल लीजिएगा। यहाँ पे आपका 14 mm का बोल्ट रहेगा, उसको आप अपना पानी की मदद से खोल लीजिएगा। 14 mm का बॉक्स पाना जरूरत पड़ता है इसके लिए। अभी आप देख सकते हैं मुझे क्रैंक को निकालने का है, तो क्रैंक रिमूवल टूल की जरूरत पड़ेगा जो कि मेरे पास ये है। ये अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इससे आप निकालेंगे तो आपका क्रैंक बहुत इजी तरीके से आराम से निकल आएगा। इस तरह से थ्रेड कर देता हूँ मैं पहले ये वाले हिस्से को, और फिर आपको एक एडजस्टेबल लेंच लेना होगा और इसको और टाइट करना होगा, तो भी पीछे वाले हिस्से को भी इसको टाइट करना होगा। तो यहाँ से फोर्स करता है आगे आने को, तो इस तरह से ये क्रैंक निकल जाता है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस सिर्फ क्रैंक रिमूवल टूल चाहिए रहेगा और आप अपना क्रैंक निकाल सकते हैं। और अभी आपको थोड़ा सा फोर्स की जरूरत पड़ेगा तो अपना अच्छे से ताकत लगाइएगा, देख सकते हैं ये मेरा खुल गया। जब ये वाला हिस्सा जब टाइट करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही आपको जाम बताएगा, तो आपको बिल्कुल हार नहीं मानना, एकदम जाम करते रहने का और आगे उसको आपको टाइट करना होगा। तो ये धीरे धीरे निकल आता है देख सकते हैं, इसी तरीके से मेरे ये सिंगल स्पीड का क्रैंक निकल गया। तो भी आप देख सकते हैं ये PVC कोटिंग का क्रैंक है मेरे पास सिंगल स्पीड का। अगर आप अपना 3 स्पीड का क्रैंक जब भी लगाएंगे तो अगर आपके पास इसी तरह का PVC कोटिंग का ही क्रैंक है तो अपना 3 स्पीड को उस तरह आप लगा सकते हैं। ये वाला आपका लेफ्ट साइड का चल जाएगा, मतलब आपको दोनों चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता है। जब अपना अलॉय क्रैंक लगाएंगे ना 3 स्पीड का, तब इसको भी जरूरत करना पड़ता है चेंज, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा और राइट को भी चेंज करना, लेफ्ट और राइट दोनों चेंज करना पड़ता है अपना, क्योंकि जो थोड़ा PVC कोटिंग का रहता है ना ये अलग बैठता है और अलॉय क्रैंक अलग बैठता है। इसके लिए मैं तो दोनों चेंज करूंगा क्योंकि मैं अलॉय क्रैंक लगा रहा हूँ। अब अपना अगर इसमें का ही सिर्फ 3 स्पीड का क्रैंक लेके आएंगे तो अपना सिर्फ राइट का ही अपना आराम से बैठा सकते और अपना काम कर सकते, तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ फटाफट, देख सकते हैं लेफ्ट साइड का भी मेरा क्रैंक निकल गया है। तो अभी मैं लेफ्ट साइड का पहले लगा देता हूँ क्योंकि मेरा ये अलॉय क्रैंक है। इस तरह से मैं अपना लेफ्ट साइड को क्रैंक को लगा देता हूँ। और ये कैप वापस से लगा देते हैं इस तरह से। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने लेफ्ट साइड का क्रैंक लगा दिया, अब मैं राइट साइड का भी लगा देता हूँ फटाफट। तो कभी भी ना लेफ्ट और राइट का अपोजिट साइड से टाइट होता है, तो मैं इस तरह से यहाँ पे एंगल रखा हूँ, अभी इसको मैं ऊपर की तरफ रख दूंगा, तो इस तरह से ये परफेक्ट तरीके से मेरा लग जाएगा। तभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा डिरेलर इंस्टॉल होएगा इस तरह से, और डिरेलर किस तरह से सेटिंग होएगा, किस तरह से पूरा ये होएगा, इसका मैं पूरा एक वीडियो बना के रखा हूँ। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा तो ये नहीं बता पाऊंगा, पर आपको मैं बेसिक बता दूंगा। अभी आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने 3 mm के हाइट पे इसको मैंने टाइट किया है, ऊपर रखा है इतना, ज़्यादा आपको नीचे भी नहीं रखना, ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना, 3 mm, 2 से 3 mm के हाइट पे रखना होगा और इसको टाइट करना होगा। यहाँ से कभी भी फुल टाइट मत दीजिएगा, इतना टाइट दीजिएगा कि ये अपने आप हिले ना, उसके बाद में भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं अपना। कंप्लीट हो गया, अब मैं सिर्फ चेन को वापस से जोड़ देता हूँ अपना गियर वाले चेन को। कभी भी जब अपना गियर लगाएंगे तो कभी भी गियर चेन ही इंस्टॉल कीजिएगा, मेरा गियर चेन है तो वापस से मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ से मैंने इसको थ्रू किया, इसके जो ये एज है ना, एज को छोड़ के इसके अंदर से डालिएगा कभी भी,
और यहाँ से बाहर निकाल दीजिएगा। इस तरह से पीछे से आपका ये गियर चेन लगेगा, ये सबको सीधा कर लीजिएगा अच्छे से। इस तरह से उठा के चेन को बाहर निकालना होगा ताकि आप अपना आगे से भी चेन को इंस्टॉल कर सकेंगे। और चेन कभी भी लास्ट कॉक पे रखिएगा। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ तक आ गया मैं। अब चेन को ना डेरल के अंदर से डालना होगा आपको इस तरह से। और आगे का चेन है ना, चेन रिंग जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो फर्स्ट पे आपको रखना होगा और इस तरह से यहाँ पे लाके ज्वाइन कर देना होगा आपको चेन को। अभी आप देख सकते हैं इतने पे मैं चेन को अपना जोड़ देता हूँ इस तरह से, देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से परफेक्ट चेन मेरा लग रहा है। तो मैं दो लिंक निकाल देता हूँ मैं इसमें से और फिर ज्वाइन कर देता हूँ। थोड़ा मंकी पकड़ से पहले प्रेस कर दीजिएगा टूल को, चैन टूल की मदद से अच्छे से इसको लेवल में कर दीजिएगा इसका रिपीट को, तो क्या आपका चैन कभी लूज नहीं होएगा। कभी भी जब आप चैन जोड़ेंगे तो ये हार्ड हो जाता है, देख सकते हैं कितना ज्यादा ये हार्ड हो गया। तो आपको क्या करना होगा इससे ना, मंकी पकड़ से आपको इसको ट्विस्ट करना होगा इस तरह से, थोड़ा साइड से थोड़ा ऊपर नीचे से इस तरह से ट्विस्ट करना होगा अच्छे से, तो क्या ये लूज हो जाता है। देख सकते हैं ये लूज हो गया है। और चैन को वापस से चढ़ा देता हूँ आगे से मैं। पाइपिंग में से थोड़ा लूज करेंगे इस तरह से। और अगर आपका बाय चांस ग्रिप, ये जो ग्रिप रहता है ना, जाम हो जाता है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको मारना होगा। देख सकते इसके सहारे ये निकल आता है। और आपका जो ये ब्रेक वायर है उसको भी आपको निकाल देना होगा इस तरह से, देख सकते इस तरह से मेरा ब्रेक केबल निकल गया है। अभी देख सकते हैं शिमानो का 3 स्पीड का शिफ्टर में इंस्टॉल कर देता हूँ। और ग्रिप को भी वापस लगा देते हैं इस तरह से, और इस शिफ्टर को टाइट कर देंगे 5 mm के लनकी से। ब्रेक केबल को सबसे पहले इसके अंदर स्लॉट में डाल देना होगा और ये आपका ब्रेक सही हो जाएगा वापस से। गियर आउटर लेता हूँ इस तरह से, इसको फाड़ देता हूँ मैं। और मुझे जितना ज़रूरत है उतना मैं अपना गियर केबल को काट लेता हूँ, और आपको कितना काट के लगाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में। सिंपली आउटर के अंदर मैं इनर को थ्रू कर देता हूँ पूरा। ये बैरल जैसे जो आपका थोड़ा अंदर रहेगा ना, थोड़ा सा 2 या 3 टन आपको लूज करके रखना होगा। अभी आप देख सकते हैं ये मेरा 7 स्पीड का गियर केबल मैंने आज जो बांधा था उसको मैंने निकाल दिया है, ताकि मैं दोनों साथ में ये गियर केबल को ही कर देता हूँ, जिप टाई से टाई कर देता हूँ। और एक मैं यहाँ पे भी बांध देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक नट को वेल्डिंग कराया है ताकि जो मेरा केबल यहाँ पे स्टॉप हो सके। यहाँ पे मेरा पहले नट ये वेल्डिंग नहीं था, मैंने यहाँ पे वेल्डिंग करा के उसको अच्छे से स्मूथ करके घस दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से वेल्डिंग कराया है वेल्डिंग वाले से। तो अगर आपको भी आगे का गियर लगाने का है और अगर अपना आपका फ्रेम में इस तरह से स्लॉट नहीं दिया है आगे का, एक तो चाहिए चाहिए, यहाँ पे नहीं रहेगा तो भी चलेगा, पर यहाँ पे एक चाहिए चाहिए स्टॉप, मतलब एक स्टॉपर चाहिए अपने को। ये जब गियर केबल यहाँ पे लगता है स्टॉप होएगा तो ही जाके ये डेरिलर आपका पुल होता है। कभी भी अपना आप गियर लगाएंगे सादे साइकिल में तो अगर आपका लगा है तो ठीक है, नहीं तो अपने ये नट वेल्डिंग कर दीजिएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरह से मैंने नट को, ये वाला नट लगाया है और वेल्डिंग कराया है। तो आप इस तरह से इसे एंगल पे आप लगा सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल इसके अंदर थ्रू कर दूंगा मैं अपना गियर वायर को, देख सकते इस तरह से ये आएगा और ये परफेक्ट तरीके से यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, देख सकते इस तरह से ये यहाँ पे वायर का एंगल आना चाहिए, देख सकते हैं। इस तरह से गियर का केबल रहता है, कभी भी आप कोई भी गियर वाला फ्रेम देखेंगे ना, गियर वाला साइकिल का फ्रेम, तो इस तरह से एक यहाँ पे वेल्डिंग रहता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ नहीं रहेगा चलेगा, शादी में भी यहाँ रहना चाहिए ताकि यहाँ पे ये स्टॉप हो सके और यहाँ पे अपना गियर केबल टाइट हो सके। इस तरह से अपना आप टाइट कर एक वेल्डिंग करा लीजिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, आपको मैं बताना भूल गया कि मेरा डेरेलर जो आप देख सकते हैं इसको मैंने निकालना पड़ा मुझे, ये वापस मुझे दूसरा डेरेलर लगाना पड़ा, क्योंकि जो मेरा डेरेलर था ये अपना डाउन पुल था और मेरा यहाँ से अप पुल सिस्टम था, तो इसकी वजह से मुझे निकालना पड़ा। इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। अगर आपको गियर लगाना भी रहेगा ना तो आप कभी भी थोड़ा डेरेलर को चेक कर लेना पड़ेगा आपको कि कौन सा आपके पास डेरेलर है। अगर आपका अप पुल है
सिस्टम, तो आपको अप पुल ही डिले लेने का है, और अगर आपका डाउन पुल है तो डाउन पुल ले लीजिएगा। पर सबसे बेस्ट ये रहेगा आप कभी भी डुअल पुल डिरेलर ले लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास शिमानो असेरा का डुअल पुल है, ये मेरा चाहे यहाँ से वायर है चाहे नीचे से वायर है कैसे भी ये पुल कर लेगा। तो ये मेरा सिर्फ डाउन पुल था, इसके लिए मैं भूल गया था, इसके लिए प्रॉब्लम हो गया, वापस से मैंने डिरेलर को चेंज कर दिया है, डुअल पुल वाला डिरेलर लगा दिया है, ये परफेक्ट है मेरे लिए। तो मेरा यहाँ से चाहे ऊपर से वायर है चाहे नीचे से वायर है ये आराम से मेरा वर्किंग करेगा। तो इसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया मुझे, वापस मैं इसके अंदर ये वायर सेटिंग करके आगे का बताता हूँ प्रोसेस। तो भैया आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने वायर को टाइट किया, सीधा ऊपर से आ रहा है और ये नट पे मेरा स्क्रू पे टाइट हो जा रहा है। ये मेरा अप पुल का सिस्टम का इसमें इस तरह से टाइट होगा मेरे डिरेलर के अंदर। अगर आपका नीचे से डाउन पुल है तो इसके अंदर से इस तरह से ये आपको डालना होगा और यहाँ से बाहर निकाल के यहाँ पे टाइट करना होगा, जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह से फोटो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से मैं टाइट कर देता हूँ फटाफट अभी अपना, देख सकते हैं इस तरह से मेरा पुल हो रहा है आराम से। यहाँ से आपको टाइट करने के बाद आपको चेक करना होगा वायर से कि इस तरह से आपका पुलिंग हो रहा है कि नहीं परफेक्ट, देख सकते हैं मेरा पुलिंग परफेक्ट हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा गैस सेटिंग हो गया है, मैंने गैस सेटिंग का नहीं बताया पूरा क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना कर रखा हूँ, तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ किस तरह से वर्किंग कर रहा है मेरा गियर। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट रिंग पे फर्स्ट गियर पे, अभी आप देख सकते हैं सेकंड पे आ गया और ये थर्ड पे आ गया, देख सकते हैं थर्ड पे। अभी मैं सेकंड पे लेता हूँ, फर्स्ट पे लेता हूँ, देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से ये वर्किंग करने लगा है।